बात का मिताली कि इतने सालों में मैं इनका विश्वास नहीं जीत पाई। नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो ये हम लोगों के सामने बात करने के बजाय उन लोगों से जाकर सवाल करते जिन लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। बस अंतरा, मुझे ताने मत मारो। हेलो जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। क्या, ये कैसे हो सकता है? कहाँ पर? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या बात है जीजू? इससे पहले कि पुलिस डॉक्टर शर्मा को अरेस्ट करती, किसी ने उसे गोली मार दी। जरूर डॉक्टर को रास्ते से हटाने में उन्हीं लोगों का हाथ होगा, क्योंकि वो जानते थे कि डॉक्टर सारी सच्चाइयां बता देगा। जब से उस इंस्पेक्टर ने मुझे बताया था कि वो डॉक्टर को अरेस्ट करने वाला है, तब से मैं सोच रही थी कि क्या होने वाला है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग खुद इस केस को क्यों उछाल रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो तलवार हमारे गर्दन पे लटक रही थी वो अब हट गई है। कि आपको शंकर भाई से कोई लेना देना नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आपको इस बात का तो इल्म है ना कि सलमा बाजी को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर यही बयान आप पुलिस के सामने दे दें तो हो सकता है इनायत चाचा के कत्ल का राज भी खुल जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं डॉक्टर, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। दिमाग खराब हो गया जो तुम्हारे सामने बोलकर मैं अपना कैरियर खराब कर दूं? तुम मुझे फंसाने आए हो, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। आप जा सकते हैं। Get off from here! आप इससे कुछ पूछते उससे पहले ही किसी ने इसे गोली मार दी। जी ऑफिसर, शायद इसके कातिल को इस बात का हॉस्पिटल से पता चल गया था कि आप लोग वहां छानबीन के लिए गए हुए थे। इससे पहले भी आपने इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी और उसके तुरंत बाद ही डॉक्टर नैन्सी भी हॉस्पिटल से गायब हो गई। अब मेरा सवाल ये है, कहीं डॉक्टर को गायब करने और इनकी हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? ऑफिसर, मुझे तो इस बात का डर खाया जा रहा था कि कहीं आप लोगों की छानबीन की वजह से यह शहर छोड़कर ना भाग जाए। मुझे पहले ही शक था डॉक्टर के कत्ल में हो ना हो इसका जरूर हाथ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह डॉक्टर की लाश के पास ही मिल जाएगा।
आपको भी वही शक है जिससे हम घिरे हुए? जी हाँ, इसे यहाँ देखकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर का कत्ल इसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? ये झूठे ऑफिसर, ये महज एक हादसा और ये हादसा मेरे सामने पेश आया है। आप खुद सोचिए ऑफिसर, अगर ये कत्ल मैंने किया होता तो मैं आपको फोन करके क्यों बुलाता? इस केस की सच्चाई जो भी होगी सामने तो आ ही जाएगी, और गुनहगार चाहे जो भी हो उसे हथकड़ियां जरूर लगेंगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाईजान। चुप रहो, तुम्हारे मुंह से भाईजान शब्द अच्छा नहीं लगता। आज अगर हमारे रिश्तों में दरारें हैं तो उसकी वजह तुम, सिर्फ तुम। कैसी बात कर रहे हैं आप भाईजान, कैसी बात कर रहे हैं? एक बहन के साथ जो मैंने दिल का रिश्ता जोड़ा हुआ है, उसी रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। सुजाता ने मुझे अपना भाई माना है, और दुनिया का कोई भी भाई अपनी बहन को बेवा के रूप में नहीं देख सकता। एक और बात वाजे कर दूं, जो बात आपके सामने आई है वो महज इल्जाम नहीं है बल्कि सच है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आज इस कत्ल को मैं ये नहीं कहता कि किसी और ने करवाया है, बल्कि यह कहता कि इसका कत्ल भी आपकी बीवी ने किया है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि यह हादसा मेरी नजरों के सामने पेश आया है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सुनना होगा आपको भाईजान, सुनना होगा। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शंकर भाई आपका खून है, लेकिन अपनी बीवी की साजिश को छुपाने की कोशिश में आप सारे रिश्ते भुला चुके हैं। लेकिन मैं अपने दिल के रिश्ते नहीं भुला सकता। एक और बात जहन नशीन कर लीजिए कि अगर शंकर भाई को कुछ हुआ तो मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूंगा कि आप उनके बड़े भाई हैं, और उस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन सिकंदर खान होगा। खुदा आपको सिकंदर के कहर से महफूज रखे। तुम अपने जुर्म को छुपाने के लिए कितनी भी दलीलें दे लो, मुझ पर कुछ असर नहीं होने वाला, और मैं तुम्हारी ये गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं, समझे तुम? मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये कत्ल तुमने किया, तुमने। तुम सूरज, एक मिनट। सिकंदर तुम यहां से जाओ, और हाँ, हर रोज सुबह शाम पुलिस स्टेशन हाजिरी देने जरूर आना। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, उसने डॉक्टर का कत्ल किया है? नहीं, उसने डॉक्टर का कत्ल नहीं किया, क्योंकि इसने डॉक्टर को नहीं मारा। अगर इसने डॉक्टर को मारा होता तो ये फोन करके पुलिस को कभी नहीं बुलाता। डॉक्टर साहब, उसने आपको यहाँ बुलाया, जरूर उसमें उसकी कोई चाल है। ये कत्ल उसी ने किया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। नहीं, ये कत्ल सिकंदर ने नहीं किया। इंस्पेक्टर शिवानी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। कोर्ट जा रही है आप? हाँ, आज उनकी पेशी है ना। क्या कहा है वकील ने? क्या शंकर को जमानत मिल जाएगी? सबूत तो सारे उनके खिलाफ है, वकील ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आज मैंने न्यूज में देखा, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर शर्मा को किसी ने गोली मार दी। वो डॉक्टर तो सलमा का इलाज कर रहा था ना, और हमें तो शक था कि सलमा को पागल करने की कोशिश वही कर रहा है। कहीं उस डॉक्टर के मरने और शंकर के फंसने में संबंध तो नहीं? मसला बहुत ही नाजुक है, आपको बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। मैं आपको ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वकीलों से बात की है, लेकिन सारे वकीलों का यही कहना है कि शंकर को सजा जरूर होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, चाहे उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप लोग मेरी बीबी को छुड़वाइए, वरना मैं अपनी गवाही से मुकर जाऊंगा। वो तो ठीक है मिताली, मगर जाने अनजाने में मैं पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गई हूं, जहां से वापस आने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।